हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपकी अनु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनु बढ़ाना स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल आपकी अनु में। मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग का व्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ आपके साथ में। तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरी वीडियो में और फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं कहाँ, किचन में। ओके मम्मी का कप बड़ा जरूर है, लेकिन चाय भी दिखा दो बेटा, चाय भी दिखा दो कितना भरा हुआ है। ये चाय है, कम भी नहीं है वैसे गाइस। ये मेरा है, चाय है, ये मम्मी का है। और ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पौधे रखे हुए हैं, ये मैंने बालकनी में रखे हैं। मैंने रूम में रख रखे थे अंदर, तो इनके लिए धूप भी चाहिए होती है, तो मैं मतलब हफ्ते में एक बार बाहर निकाल देती हूँ। तो मैंने धूप की वजह से बाहर रखे हैं, आज पूरा दिन मैं बाहर रखूंगी और फिर इनको अंदर रख दूंगी, क्योंकि मतलब अंदर रह के ना, ये इंडोर प्लांट है लेकिन इनको फिर भी धूप चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और अपने बाकी के काम खत्म कर लेते हैं चल के। मक्खन बना रही हूँ, जो मेरी मलाई रखी हुई है उसको मैं मक्खन बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनानी है चटनी के साथ में रोटी, और मक्खन खत्म हो रहा था तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। मलाई रखी हुई थी, अब किस काम आएगी, मक्खन ही बना ले रही हूँ। तो ये देखिएगा मैं मक्खन बना रही हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये देखिए अभी मैं फेंट रही हूँ इसको, ये विस्पर है तो मैं फेंट रही हूँ इसको, और थोड़ी देर में दिखाती हूँ जब ये रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना ये वाला काम फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं। गाड़ी जो है मतलब उसके हॉर्न में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको ठीक करवाने गए, बच्चे भी साथ में गए दोनों। तो अभी जब तक वो आएंगे, जब तक मैं ये रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी, ठीक है? ये देखो, ठीक है, और इसका टेक्सचर ऐसा हो चुका है, ये देखिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ पानी, अब मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ इसको, मतलब मैंने फेंट लिया है इतना, और इसको पानी डाल के इसको मैं फेंट दूंगी, और ये बन जाएगा मक्खन। और मक्खन रख के नमक की रोटी चटनी के साथ में, लाल मिर्च की चटनी और गिलास भर के लस्सी, वाओ क्या टेस्ट आएगा, खा के देखना आप लोग भी। आप ही देखिएगा, एक तरफ सब्जी और एक तरफ चटनी, सब्जी को मात देती है चटनी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिएगा मेरा मक्खन रेडी हो चुका है, अभी मैं निकाल दूंगी इसको। ये इसको टाइम तो बहुत लग जाता है, बट मार्केट से लेने जाओगे तो काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, 400-500 रुपये का आता है। लड़का तो कल मीठा ही होता है, सबको ही पता है, और ऊपर से ये मलाई कोई खाता भी नहीं है, बच्चे छान छान के दूध पीते हैं, या फिर कुछ भी मतलब हम लोग यूज़ करते हैं दूध, तो साइड में मक्खन के लिए मलाई निकाल ही देते हैं, तो फिर मलाई का यूज़ तो हो ही जाता है ना। तो ये देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखो ये हो गया हमारा मक्खन, ठीक है? ये देखिए, अब मैं इसको पता है क्या करूँगी, मैं इसको प्लेन वाटर लेके मतलब एकदम साफ पानी, उसे 3-4 बार वॉश कर दूंगी, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ मक्खन बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, और ऐसे ही बने रहिएगा आप लोग हमारी वीडियो में। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, चिली पोटैटो खा लो भाई। तू नहीं आया, तू नहीं आया, आजा ठंडे हो जाते, फिर तू पहले खा लेगा चिली पोटैटो। तू नहीं खा रहा, कि ये तुम्हारे लिए है। मम्मी आ जाओ। गाइस तो पहले मुंह पे देख रहे हैं। गाइस ये लीजिए फ्रेंड्स, खा लीजिए चिली पोटैटो, यम्मी यम्मी। चिली मुर्गी उड़ी मैं
मैनोड़ी बाजुड़ा बरुड़ा मोरुड़ा चूजे ऋतिक तूने गलत कर दिया। देखा अभी तो बहुत सारी चीजें उड़ने के लिए, अजगर हो गया, मगरमच्छ हो गया है, और व्हाइट वाला शेर हो गया, क्या बोलते हैं उसको, है ना, और नीलगाय हो गई, कितनी सारी चीजें छोड़ दी पागल। नीलगाय मम्मी की स्त्री मोड़ती है। उड़ी नहीं थी जब गांव से आ रहे थे, रहते उड़ी थी ना रास्ते में, मुझे देख के मतलब ना कर दे इतन बोल नीलगाड़ी नीलगाड़ी हाय कोबरा का अरे मैं छुड़ा उड़ता है एक लगा इसको सारे सांप नहीं उड़ते। हाँ उड़न सांप होता है, उसे सांप होता है, सांप का नाम बोलना चाहिए सांप के साथ, सांप ऐसे रेंगते भी क्या? और क्या ऋतिक तूने हथियार क्यों ले लिया है? तंशुगा हथियार है ये तो, जब इसकी मम्मी काम नहीं आती ना, जब बेचारा यही काम आता है लास्ट में सेट दी होगी बात। और इसको देख, इसको देख, इसको देख, एक कॉम बना ली इसकी, कॉम नहीं बनाई, सिर्फ जा रहा है कैसे मुझे बचपन में करती थी सुनाने के लिए। अब देखो कुछ उम्र तो नहीं आती, कभी तेरे साथ देखती हो गई खेल तो बना रहा हूँ मैं, कैसे भी अच्छा बात बात। और ये देखिएगा आज मेरे कान्हा जी मंदिर से बाहर बैठे हुए हैं, आज इनका मन कर रहा था ड्राइंग रूम में आने का, तो मैं इनको यहाँ ले आई हूँ, यहाँ पे टेबल पे बैठे हुए हैं, ये देखिए ग्रीन ड्रेस में है, और ये दूध रखा है मेरे कानू का, ये देखो मेरे शुटकू मुटकू से बाबू है ये, तो आज मैंने इनको यहाँ बिठा रखा है। हेलो रवी, जब रफी की तबीयत ढीली हो जाती है ना, तब इसको कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा रहता है बिल्कुल सैड सैड सा। डफी बोलने क्या, चल बॉल खेलेंगे, तो नहीं बोलती है डफी की, बोल दे भाई, कन्नी को खेलता भी नहीं है इसके साथ में, बोलने क्या यू। तो आज मैंने दाल बनाई है मटर की, और ये मटर की दाल बनी हुई रखी है यहाँ पे, और यहाँ मैंने सारा मतलब जो चौक का सामान है वो कट करके रखा हुआ है, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर सब कट करके रखे हुए हैं, तेल के अंदर ये मैंने जीरा डाल दिया है, और ये वाली दाल ना बहुत टेस्टी लगती है, जो मटर की दाल होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा जिस तरह मैंने बनाई है, मेरी रेसिपी ही ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी आपको भी। तो जीरा डाल दिया है इसमें, मैंने अदरक भी डाल दिया है जैसे मैं हमेशा डालती हूँ, सॉरी अदरक नहीं, इसमें मतलब लहसुन डाल दिया है, और लहसुन डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी अपना अदरक और हरी मिर्च प्याज सब कुछ मतलब डाल करके इसके अंदर ब्राउन कर लूँगी उसको गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर टमाटो, जो हमेशा हर दाल में डालते हैं जिस तरह से, सेम उसी तरह इसका तड़का रेडी करना है मेरे को, बस देखते रहिएगा आप लोग और ऐसे ही ट्राई कीजिएगा।
और हाँ गाइज, ये जो दाल होती है ना मटर की, तो इसको मैं थोड़ा मतलब अलग तरीके से बनाती हूँ। आपका पता नहीं कैसे बनाते हो, बट मैं तो इसी तरह बनाती हूँ जैसे देख रहे हो आप। और इसमें मैं हरी मिर्च कट करके तो डालती ही हूँ, इसमें साबुत हरी मिर्च भी डालती हूँ। और इससे क्या होता है कि मतलब ये जो दाल का स्वाद है ना दोगुना हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसी तरह से, और तब देखिएगा कितनी दाल टेस्टी बनेगी आप लोग की भी। यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और मैंने टमाटो में थोड़ा नमक भी डाल दिया था। उससे क्या होता है, हमारा जो टमाटर होता है अच्छे से मैश हो जाता है। तो ये देखिएगा, मैंने गरम मसाला और मतलब जो धनिया पाउडर और हल्दी, हल्दी तो मैंने पहले भी डाली थी, और लाल मिर्च डाली है अभी इसमें, और थोड़ा हींग भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मतलब मिक्स करके और फिर पूरी दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक बॉईल आने के तक मतलब इसको एक उबाल आएगा तब बंद कर दीजिएगा। तो आपकी दाल इतनी टेस्टी बन जाएगी कि आप लोग तो क्या, आपके मतलब जो भी खाएगा आपके घर आके ना उंगली चाटता रह जाएगा और बोलेगा भाई किस तरह से बनाई है दाल। तो मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, आप लोग मेरी रेसिपी जो होती है ट्राई कीजिएगा, और तब आपको खुद से पता चल जाएगा। इतनी हार्ड भी नहीं होती है, मैं सिंपल वे में बनाती हूँ सारी चीज़ें। जो मतलब हमारे पास होता है, जो भी सामान होता है, उसी से हम लोग सब्जी बना सकते हैं अपनी। ऐसा नहीं है कि भी अलग से कुछ लेके आना है। तो जिस तरह मैंने बनाया इस तरह बनाइए और खाइए, फिर बताइएगा कि कैसी दाल लगी है आपकी। कोई भी रेसिपी मतलब मेरी ट्राई कीजिए। तो लीजिए, दाल बनके रेडी है, यम्मी यम्मी। चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। तो ट्राई कीजिएगा। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए फेस से रिलेटेड टिप्स बता रही हूँ, जो कि आप लोगों के फेस को बिल्कुल हीरे की तरह चमका देगा। और ये है नाइट केयर टिप्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है बेसन, और बेसन में डालना है गुलाब जल 2 चम्मच, 1 चम्मच बेसन में, और उसको मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है और मसाज करनी है। 2 मिनट मसाज करेंगे और फिर फेस वॉश कर देंगे, और उसके बाद में फेस को सुखाने के बाद में टॉवल से पोंछने के बाद में लगाएंगे हम 1 चम्मच लेंगे एलोवेरा जेल, उसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच गुलाब जल, और उसको मिक्स करके फेस पे लगा लेंगे। ये हमारा नाइट केयर रूटीन है। तो आप लोग रोज इसको यूज कीजिएगा, आपका फेस बिल्कुल हीरे की तरह चमक जाएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप लोग देखिए, पसंद आए लाइक कर दीजिए, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।